ठीक है, आज हम लोग देखने वाले मेस लाइट, तो मेस लाइट और आईएस लाइट दोनों देखेंगे। तो कैसे क्या काम करने वाले? अभी जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, कुछ चीज़ों को मैं आपको थोड़ा सा मैं वर्क वाइज भी थोड़ा सा आपको मैं लेवल दिखा देता हूँ भाई कैसे क्या काम करना है। कुछ 3D मोशन ग्राफिक का भी काम होता है क्या? मोशन ग्राफिक का काम कैसा होता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे क्या काम करना है आपको यहाँ पे, आपने यहाँ पे कुछ चीज़ों का एड ऑन किया, जैसे आपने प्लेन यहाँ पे लिया, ठीक है। प्लेन लेने के बाद अगर आप हम लोग इसे यहाँ पे क्या करते हैं, फेसेस सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो मैं ऐसा कुछ एक्सट्रूड कर सकता हूँ यहाँ पे, पॉसिबल है। मैं बॉक्स भी ले सकता था लेकिन मैंने ऐसा कुछ किया। अभी मैं यहाँ पे कोई भी काम करता हूँ तो किसी भी काम को करने का मेरे पास एक तरीका है, मेथड है, क्या? तो हम लोग यहाँ पे क्या काम करते हैं, किसी भी चीज़ को छोटे छोटे एनिमेशन से हम लोग डील कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल सेलेक्ट किया, यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है। दो चार पॉलीगन मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, शिफ्ट एंड एक्सट्रैक्ट कर दिया, एक्सट्रैक्ट फेसेस, ठीक है। एक्सट्रैक्ट फेसेस करने पर मुझे यहाँ पे क्या दिखा, ये मैं पार्ट देख रहा है। अभी आपको क्या करना है, छोटा सा मोशन ग्राफिक भी बनाना है। तो छोटा सा मोशन ग्राफिक बनाने के सबसे पहले काम क्या करोगे, क्रिएट पे गए, आपने यहाँ पे कैमरा कर दिया, कैमरा पैनल लुक टू सेलेक्टेड, कैमरे के साथ आप पहले डील करना स्टार्ट करो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या काम कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने चीज़ों को मैंने मैनेज किया, यहाँ पे रखा तो थोड़ा सा पार्ट मैंने ऐसा ऐड ऑन किया, देख रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे रखता है, ओके। कर दिया मैंने यहाँ पे कैमरे को, कर दिया लॉक और परस्पेक्टिव में। यहाँ पे अभी क्या काम करना है, टेक टू व्यू, यहाँ पे क्या करते हैं, ये देखो। अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, मुझे टेक्स्ट लेना है। टेक्स्ट में यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे मुझे आर्नोल्ड पे जाना है, आर्नोल्ड पे मेरे पास यहाँ पे क्या लाइट है, लाइट में यहाँ पे क्या मेस लाइट के बारे में हम लोग काम करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, क्रिएट किया मैंने यहाँ पे, और मेरे पास टाइप करके एक ऑप्शन है, टेक्स्ट पे गए, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, मेस लाइट, MESS मेस LIGHT मेस लाइट, ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे मैंने मेस लाइट किया, मैंने इसको ऐसे सेट कर दिया, यहाँ देखो, यहाँ पे दिख रहे हैं आपके पास, यहाँ पे मैच लाइट आपके यहाँ पे विजुअल है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं ऐसा कुछ मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, स्पेसिंग, ओके। टाइप है मेरे पास यहाँ पे, टाइप मैंने यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप में अगर देखो यहाँ पे भाई, मेरे पास ऐसा कुछ चेंज है यहाँ पे, जो चीज़ थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे, लाइक टेक्स्ट हमें क्या चाहिए, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है कि दिस इज़ गुड, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे लिया, ठीक है। स्केलिंग भी है, स्केलिंग में हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइज़ है, यहाँ पे आपको मिलेगा। अभी यहाँ पे मैं कई चीज़ को आपको मैं बहुत अलग वे में रिप्रेजेंट करने के टेक्निक बताऊँगा। वैसे सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, स्केल कर लेता मैं, नॉर्मली स्केल किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। रोटेशन दिया मैंने यहाँ पे, रोटेशन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रोटेशन पे गए, देख रहे आपके पास यहाँ पे, यहाँ पे मैंने क्या किया, -90 कर दिया मैं, डब्ल्यू प्रेस किया यहाँ पे, ये दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे। अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, दिस एंड दिस ऑल टच, दोनों को मैं अलाइन कर लूँगा। अलाइन करना आता है यहाँ पे, दिस वन एंड दिस वन, दोनों को सेलेक्ट किया यहाँ पे। अभी हम लोग चलते हैं यहाँ पे, मुझे क्या करना, मॉडिफाई में गए, यहाँ पे मुझे क्या करना है, अलाइन टूल मिलता है, अलाइन अलाइन पे गए, स्नैप एंड अलाइन, यहाँ पे, यहाँ पे अलाइन ऑब्जेक्ट, ठीक है। एडिट पे गए, रीसेट क्लिक किया मैंने, मिड पे एक्स वाई जी सिलेक्शन में लास्ट सेलेक्टेड अप्लाई कर दिया, तो ये अपने आप यहाँ पे अलाइन होकर आ जाएगा सेंटर पे, ठीक है। जैसे आपको करना है वो आपको एज इट इज़ दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ मैं यहाँ पे दिखा। अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, चीज़ों को मुझे थोड़ा सा ऐसे डील करना है जो चीज़ मुझे अच्छे से दिखे, अरेंजमेंट हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इनके साथ मैं थिकनेस देने वाला हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, दिस वन एंड दिस वन, दोनों को मैंने यहाँ पे क्या किया, ग्रुप कर दिया, इज इट पॉसिबल, कंट्रोल जी कर देते हैं, ग्रुप हो जाएगा, मॉडिफाई एंड सेंटर पिवट। यहाँ पे मुझे एक एनिमेशन देना है, अभी मैं एनिमेशन दूंगा तो दूंगा कैसे, जैसे मुझे यहाँ पे क्या देना है, सॉफ्ट फ्रेम पर मुझे एनिमेशन देना है यहाँ पे, देखना है अभी। तो मैंने इसे क्या किया, यहाँ पे रोटेशन पे गए, रोटेशन पे जाके मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये ऑटो की ऑन करो आप यहाँ पे, इन चीज़ को हमें मैनेज करना, तो हम लोग कुछ चीज़ का ध्यान देंगे क्या, कैसे ध्यान देंगे यहाँ पे, जैसे देखो यहाँ पे, बस यहाँ पे क्या ऑप्शन है, यहाँ पे टाइम स्लाइडर है, रेंज स्लाइडर करते हैं यहाँ पे, रेंज स्लाइडर मिल जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। ग्रुप है मेरे पास यहाँ पे, आप करके देखो ये पार्ट है, ठीक है, मैंने क्लिक किया पे, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सा पार्ट 100 फ्रेम ही चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या 100 फ्रेम पे गया, यहाँ पे मैंने एस प्रेस कर दिया, एस सिंपल एस से किया, की आ जाता है यहाँ पे, जीरो पे गए, यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको मैंने हल्का सा रोटेशन दे दिया, ठीक है। अभी यहाँ से अगर मैं प्ले करके देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे कुछ आ रहा है, यहाँ पे क्रॉस चेक करो, यहाँ पे मैंने एंड फ्रेम 120 है, मैंने क्या किया 100 कर दिया। यहाँ से मैं अगर प्ले करके देखता हूँ,
ठीक है। अभी यहाँ पे मैच लाइट कैसे, आपका नाम, आपका सोरेल या कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे सेट किया, मैं इसके अंदर थोड़ा सा थिकनेस देता हूँ, थिकनेस का मतलब लाइक फेसिस सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, जितनी थिकनेस इसमें दूंगा उतनी थिकनेस वहाँ पे भी दूंगा। एक्सट्रूड किया मैंने यहाँ पे, थिकनेस मैंने किया कमान 0.01, आप यहाँ पे 5 भी दे सकते हो, देख रहे हैं यहाँ पे 5 दिया, मुझे लगता है 5 ठीक है, या फिर मैंने यहाँ पे क्या किया 1 ऐसा कर दिया, ठीक है, दिस इज़ गुड। जितना मैंने यहाँ पे दिया उतना मुझे इस पर भी देना है, सेलेक्ट कर दिया सिर्फ 10x टूल, यहाँ पे मैंने कितना कर दिया 0.1, डन। तो यहाँ पे देखो डेप्थ अच्छा खासा देखेगा यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, मेरे पास जो मेरे पास टेक्स्ट है यहाँ पे, देखो टेक्स्ट आप देख रहे हो आप यहाँ पे, टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे पोजिशन दे सकते हैं, मेरे पास टेक्स्ट है यहाँ पे, मैंने ऊपर कर दिया यहाँ पे, भाई ऐसा कुछ पॉसिबल है, ठीक है। एक छोटा सा शॉर्ट हो गया, अगर आप यहाँ पे दिखाना चाहो, पोर्टफोलियो बना के दिखाना चाहो तो भी आपका काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मुझे क्या काम करना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा पार्ट, इस मॉडल को सिलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, मॉडल को सिलेक्ट करके मैं कोई भी नाम या कुछ भी ऐड ऑन करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने लाइट पे गए, यहाँ पे लाइट पे क्या किया मैंने, यहाँ पे सिंपल मैच लाइट कर दिया यहाँ पे। अभी यहाँ पे आप रेंडर करके देखो, आप यहाँ पे विजुअल है, अभी आपने यहाँ पे मैच लाइट किया, यहाँ पे आप देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैच लाइट को मैं ऐड ऑन कर सकता हूँ ऐसा कुछ, ठीक है। मैं भी काम करता हूँ, अंडू करता हूँ, कंट्रोल जेड, ठीक है। मैं एक ओवरऑल एक सेटअप बनाया था, सेटअप बनाने का मतलब क्या कि यहाँ पे मैं कलर दे देता हूँ, राइट क्लिक असाइन, यहाँ पे मैंने क्या किया, न्यू मटेरियल, आर्नोल पे गए, आर्नोल पे AI स्टैंडर्ड सरफेस, ठीक है। मुझे यहाँ पे साइनिंग का भी यूज़ नहीं करना, मैं ब्लू कलर दे देता हूँ, ब्लू में यहाँ पे ऐसा कुछ ब्लू, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट है, टेक्स्ट को मैं यहाँ पे अलग अलग कलर दे सकता हूँ क्या, जैसे मुझे यहाँ पे कोई अलग कलर देना था, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फेसेस सेलेक्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे गो टू लाइक एंड फ्रेम, टॉप पे गए, फेसेस सेलेक्ट कर दिया मैंने, राइट क्लिक एंड असाइन, सेम चीज न्यू मटेरियल, आर्नोल्ड पे चलते हैं यहाँ पे, यहाँ देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, दिस इज वाइट, मैं यहाँ पे वाइट रखता हूँ यहाँ पे, ओके। और नीचे वाले का मैंने यहाँ पे क्या किया, राइट क्लिक एंड असाइन न्यू मटेरियल, आर्नोल्ड पे गए, ठीक है, स्टैंडर्ड सरफेस शेडर, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, येलो कर दिया यहाँ पे। अभी अगर मैं यहाँ पे सिंपल से एक लाइट लगा देता हूँ, आर्नोल्ड पे गए, आर्नोल्ड पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, स्काई डोम लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी स्काई डोम लगाने के बाद मैं यहाँ पे क्या दिखा सकते हैं, यहाँ पे अभी देखो आपके कुछ एक इम्पैक्ट आएगा जिसको आप एक 3D व्यू में आप दिखा सकते हो। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने का, जब भी आप यहाँ पे काम करते हो, लॉक किया यहाँ पे, कैमरे के अंदर होना चाहिए यहाँ पे, पैनिंग किया मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ करके यहाँ पे, ठीक है। तो अभी अगर मैं यहाँ पे मैं रेंडर करता हूँ, रेंडर करने पे मैं यहाँ पे क्या दिखा सकता हूँ, 3D मोशन ग्राफिक। अभी यहाँ पे मेरे पास जो मॉडल है, मॉडल को मैं यहाँ पे एनिमेशन के साथ दिखा सकता हूँ, ठीक है। अभी ये मैंने सेट किया यहाँ पे, इस चीज़ को मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे क्या गया, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे ग्रिड मेरे पास यहाँ पे ओपन कर लेंगे यहाँ पे, ग्रिड के साथ मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज करके रखूँगा यहाँ पे, भाई ऐसा कुछ यहाँ पे करना है तो, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं ये एनिमेशन दे दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या देखेगा कि लाइक ऐसा कुछ पार्ट मैं ऐड ऑन कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ क्रॉस चेक करें यहाँ पे, ठीक है, विजुअल है। चलो यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा नॉइज है मेरे पास यहाँ पे। सबसे पहला काम क्या करना है, आपने ऐसा कुछ किया यहाँ पे, ठीक है। आप ऐसा कुछ करने के बाद आप यहाँ पे चलते हो, आर्नोल्ड पे गए, यहाँ पे सेटिंग आपको क्या करना है, मिनिमम मिनिमम 5:5 कर देना, 5:5 स्पेकुलर, ठीक है, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। यहाँ पे ट्रिपल एस को छोड़ देना, यहाँ पे एक बार क्रॉस चेक करना आप यहाँ पे कि भाई ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप ऐसा करके भी आप कुछ दे सकते हो आप यहाँ पे। मैंने अपने मटेरियल में सब में साइनिंग है, आप चाहो तो साइनिंग हटा सकते हो, साइनिंग भी टाइम लेता है, जो आपका जो स्पार्कलर वाला पार्ट है ना वो भी टाइम लेता है। अब देखो मैंने यहाँ पे रेंडर भी किया था, रेंडर में थोड़ा टाइम लग रहा है, छोटे छोटे एनिमेशन में, छोटे छोटे पार्ट में जब आप काम करते हो तो वहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आप सिंपल प्लेन कलर यूज़ करते हो तो टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखो जो हमारे जो नॉइज़ है वो कम हो रहे कि नहीं हो रहे, वो एक बार क्रॉस चेक करो आप यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे अभी हमारे यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा बेटर हो गया। अभी मैं इसका अगर मैं रेंडर निकालूंगा तो रेंडर निकालने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। चाहते हो कि रेंडर में थोड़ा सा कम टाइम लगे तो यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है। मतलब इसका साइनिंग को मैनेज कर सकते हो, राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट। देखो साइनिंग सा पार्ट यहाँ पे स्पेकुलर है, स्पेकुलर नील कर दो सब का,
रफनेस देख रहे हैं आपका, यहाँ पे कलर मैंने यहाँ पे मैनेज करता है, वेट तो यहाँ पे क्या चाहिए मेरे पास, यहाँ पे थोड़ा सा और कम टाइम लेगा यहाँ पे क्या। यहाँ देखो चीज़ को और थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया पर्सपेक्टिव में यहाँ पे किया, ठीक है, मैं इसके ऊपर के भी मैं कलर थोड़ा सा अलग अलग दे सकता हूँ, या मैं यहाँ पे नीचे का भी कलर थोड़ा सा अलग दे सकता हूँ, ठीक है, कर सकते हैं। चलो वो चीज़ आप लोग कर लोगे यहाँ पे। अभी मैंने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे बस पूरा फ्लैट दिखना चाहिए, फ्लैट दिखने का मतलब यहाँ पे मुझे ऐसा लगना नहीं चाहिए कि वो अलग है। अभी देखो मैंने जब मैंने अपनी साइनिंग कम कर दी, रेंडर का टाइम जल्दी हो रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए, अभी कहीं से लग नहीं है कि वो पार्ट कहीं से अलग है, तो इसलिए एक प्रोसेस को ऐसे समझना, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, दिस इज़ माई लाइक लास्ट फ्रेम, ठीक है। अभी यहाँ से मैं स्विच करना है दूसरे कैमरे में, ठीक है। चलो यहाँ पे मैंने क्या किया, स्टार्ट फ्रेम दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे स्टार्ट फ्रेम वन है ना, मैंने क्या किया यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे दिस इज़ माई वन, यहाँ पे मैंने क्या किया 100 करके देखें, यहाँ पे 100 कर दिया, यहाँ पे इसको मैंने क्या कर दिया 200 कर दिया। अभी स्टार्ट कहाँ से होगा ध्यान दो, यहाँ पे यहाँ से मैं अगर मैं प्ले करता हूँ तो 100 से स्टार्ट होगा, आपका पहले का एनिमेशन नहीं आएगा, आप एक साथ दो कैमरे का रेंडर भी निकाल सकते हो, ठीक है। तभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, चलता हूँ भाई अभी अंदर, अंदर मतलब बॉक्स के अंदर, ठीक है, बॉक्स के अंदर गए, बॉक्स के अंदर दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। अभी बॉक्स के अंदर जाते क्या होगा कि देखो, सबसे पहले आपको जो मॉडल है हमने थिकनेस दिया, जैसे देखो यहाँ पे अगर मैं चीज़ों को अंदर से, मैं अंदर से एक बार रेंडर करके देखूँ आपको, यहाँ पे रेंडर अंदर से रेंडर हो रहा है कि नहीं हो रहा, पता चले आप लोगों को रेंडर टाइम बढ़ रहा है। अभी एज ए लाइटिंग आर्टिस्ट आपका काम पहले क्या होता है कि पहले में आप सेटिंग पूरा करके मत चेक करो, स्केप करो, इसे रेंडर सेटिंग पे गए, मुझे लो पे जाना है, तो मैंने यहाँ पे सबको 1-1 कर दिया, 1 में नॉइज आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो एज ए लाइटिंग आर्टिस्ट का काम होगा कि आपको पहले जब भी देखना है तो लो पे देख लो, फटाफट जल्दी रेंडर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, अभी मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं इसी मैस को मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे फिर से सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, राइट क्लिक असाइन, मैंने यहाँ पे क्या किया, अलग से मैंने मटेरियल दे दिया यहाँ पे, ठीक है, राइट क्लिक असाइन न्यू मटेरियल, न्यू मटेरियल आर्नोल्ड पे गए हम लोग यहाँ पे, AI स्टैंडर्ड सरफेस शेडर, ठीक है, ये मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। पैटर्न किया मैंने यहाँ पे क्रिएट अ कैमरा, कैमरा क्या है मेरे पास, यहाँ पे कैमरा है मेरे पास, यहाँ पे पैनल पे गए, लुक टू सिलेक्टेड, ऐसा कुछ मुझे दिखाना है तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ऐसा कुछ दिखा दिया, ठीक है। अभी मैं ऐसा कुछ दिखा रहा हूँ तो इसमें मुझे करना है क्या है, सिंपल पार्ट में एक बॉक्स ले सकते हैं यहाँ पे। अभी मुझे स्विच क्या करना है, यहाँ पे मैं कैमरा वन है, कैमरा टू यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है, कैमरा टू है, कैमरा टू यहाँ पे मैंने किया और लॉक कर देते हैं फॉर टाइमिंग, इसे पर्सपेक्टिव बना लेते हैं। मैं उस बॉक्स से आर प्रेस किया मैंने, ठीक है, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये ऐसा कुछ कर दिया, यहाँ पे फ्रंट में गए, फोर प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी आप क्या करना चाहते हो, जैसे ये देखो राइट क्लिक एंड वर्टेक्स, आप ऐसे काम करना चाहो, WV ये आपने ऐसा कुछ कर दिया, ठीक है, सेलेक्ट किया हमने यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, ओके। अभी आप यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, सिंपल सा पैटर्न, टॉप पे गए, ये मैंने मैस को पकड़ा यहाँ पे, वर्टेक्स, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया यहाँ पे, ये पार्ट में बस यहाँ पर आ गया, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें आप यहाँ पे थोड़ा सा टच कर सकते हो आप यहाँ पे, और यहाँ से मैंने क्या किया, इसको मैंने ऐसे कुछ कवर कर दिया यहाँ पे, ओके। अभी आप इसको यहाँ पे सिंपल टेक्स्चर देना आपको आता है, 4 and 5 राइट क्लिक एंड असाइन न्यू मटेरियल, आर्नोल्ड पे गए, यहाँ पे क्या AI स्टैंडर्ड सरफेस, ठीक है, दिया मैंने यहाँ पे, मैंने यहाँ पे कोई भी एक टेक्स्चर देना है, कोई भी एक टेक्स्चर, जैसे मुझे कॉन्क्रीट का टेक्स्चर देना है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रीसेट्स पे गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मेरे पास मटेरियल्स हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखो कौन सा मैं मटेरियल यहाँ पे चेंज करता हूँ, यहाँ पे मिल्क और ये सब हनी है, ठीक है, फ्रॉस्टेड ग्लास, डिस कॉपर, ओके, मेटलिक नहीं देना मुझे यहाँ पे, चीज़ों कैसे देना जो यहाँ पे नॉर्मल से यहाँ पे देखें, ठीक है, उतना कुछ खास मुझे नहीं है, तो चलो मैं बना ही देता हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ क्या 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 साइनिंग मुझे नहीं देना, ये मैंने हटा दिया, सिंपल एक मैप मैं डाउनलोड कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, कॉन्क्रीट सीमलेस टेक्सचर,
ठीक है, कॉन्क्रीट सीमलेस टेक्सचर मैं यहाँ पे लेता हूँ, जहाँ पे मैं थोड़ा सा दिखा सकूँ। यहाँ पे इमेज पे गए, कोई भी एक टेक्सचर डाउनलोड कर लो आप यहाँ पे लाइक दिस। ये देखना सीमलेस टेक्सचर इक्वल होता है क्या यहाँ पे, जैसे ये दिस इज़ गुड, ये थोड़ा सा बेटर लग रहा है यहाँ पे। फाइल को सेव किया मैंने यहाँ पे, सेव करके हम लोग यहाँ पे फॉर ए टाइमिंग मैंने यहाँ पे क्या किया, डेस्कटॉप पे ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, छोटा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ। यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे राइट क्लिक असाइन, मटेरियल दे रखा है मैंने यहाँ पे, कलर पे आके मैंने टेक्स्ट कॉल कर लिया यहाँ पे। सिक्स प्लस किया ऐसे देख रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे यूवी पे बहुत ज़्यादा काम नहीं करना मुझे, सिर्फ एक एंगल में दिखाना था। मैंने यहाँ पे यूवी पे गया, प्लानर किस पे काम करना है, एक्स पे करके देखो यहाँ पे, ये देखो ऐसा आ गया, काम हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, कंट्रोल डी यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ, एंगल यहाँ पे सेट कर रहा हूँ यहाँ पे। अभी मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ दिखाना है, मैंने यहाँ पे क्या मुझे पिलर पे ऐसा दिखाना है, मैंने यहाँ पे क्या क्या कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा रोटेशन दिया मैंने यहाँ पे, काइंड ऑफ रोटेशन चेक कर लेना आप यहाँ पे, देखो रोटेशन 90। छोटे छोटे चीज़ें हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इन चीज़ को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करने वाला हूँ। मैनेज कैसे करूँगा यहाँ पे, लाइक आल्फा स्केल है, वो टेक्स्ट आपका ख़राब हो रहा है, ध्यान देना क्या, तो टेक्स्ट आपका ख़राब हो तो उसमें हम टेक्स्ट फिर से सही कर लेंगे यहाँ पे। छोटे छोटे पार्ट यहाँ पे दिखाना थोड़ा सा अच्छा लगता है। कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं कंट्रोल डी करके भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पहले मैं टेक्स्ट मुझे मैनेज करना ही पड़ेगा, तो मैं मैनेज करने के बाद करूँ तो ज़्यादा बेटर है। तो प्लानर किया मैंने अप्लाई एक्स वाई जी, सिंपल सा पैटर्न देख रहे हैं भाई, इसको मैं ऐसे कुछ मैं मैनेज कर सकता हूँ। अभी देखो एक ही टेक्सचर में, ये आर्किटेक्चर में ये प्रोसेस यूज़ किया जाता है, जब लोग आर्किटेक्चर पोर्टफोलियो बनाते हैं तो वहाँ पे इस टाइप से काम हो जाता है क्या। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे क्या सेफ डी कर दिया मैंने यहाँ पे, ये देखो पार्ट पार निकल गया यहाँ पे, दिस दिस एंड दिस। आप ऐसे करके थोड़ा सा चीज़ों को दिखा सकते हैं यहाँ पे, छोटा सा पैटर्न है यहाँ पे, हमने एक चीज़ को मैनेज किया। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्रिएट पे गए, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिया यहाँ पे, ठीक है, टाइप पे गया। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने क्या क्या किया, रील कर दिया मैंने, रील यहाँ पे, ठीक है, रील यहाँ पे कर दिया। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रील को रोटेशन दे दिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया 90। अभी आपको एक चीज़ समझना है कि भाई मेरे पास चीज़ें हैं कैसी। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या हल्का सा स्केलिंग ये पार्ट मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, आल्फो स्केल। मैं अपने कैमरा को देख के काम करूँ, ये भी ध्यान देना कि मैं कैमरा कौन सा, मैंने जो कैमरा सेट कर रखा है मैं काम यहाँ पे कर रहा हूँ और कैमरे को यहाँ पे देख के मैं मैनेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो दिस इज़ अवर रील, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर मैं सेट कर रहा हूँ, मैं कैमरा ऐसा कुछ देख रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा सा कैमरे को यहाँ पर, इज़ इट पॉसिबल, हल्का फुल्का मैं मैनेज करती हूँ यहाँ पर, ये देखो। ओके, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, रील कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, इसी को मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जैसे सेम चीज़ एडिट पे गए, कॉपी एंड एडिट पे गए, पेस्ट, पेस्ट हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पे। ठीक है, कंट्रोल ए कर दो आप यहाँ पे, कुछ पॉसिबल है कि यहाँ पे कंट्रोल ए, यहाँ देखो यहाँ पे ये चीज़ें दिख नहीं रही, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, फिर से मुझे मेहनत करना ही पड़ेगा। मेहनत करने का मतलब यहाँ पे क्या, कि अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ, देखो ये पार्ट है कंट्रोल ए, यहाँ देखो टेक्स्ट में दिख रहा है कहीं पे, यहाँ पे रील का मैंने यहाँ पे क्या किया, रील पे जाते हैं यहाँ पे 2021 है ना, ऐसा कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको लेके चलते इधर, इसको लेके चलते यहाँ पे, ठीक है, तो 2021 यहाँ पे मुझे रोटेशन देना पड़ेगा, यहाँ पे रोटेशन है -90, ऐसा कुछ कर दिया मैंने अभी। चीज़ को तो थोड़ा सा बनाने में टाइम लगता है, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लगता। टॉप पे गए, यहाँ पे मैंने सेट कर दिया ये पार्ट में बस यहाँ पे, ठीक है, और ये पार्ट मैंने यहाँ से यहाँ तक सेट कर दिया। ओके, यहाँ देखना यहाँ पे परस्पेक्टिव में गए यहाँ पे 2021। अभी ये चीज़ मुझे यहाँ पे क्या कैमरे के साथ क्लिक करना पड़ेगा, बस कैमरे में देख नहीं रहा था यहाँ पर, विजुअल है। अभी ऐसा कुछ करूँ यहाँ पे, मैंने कंट्रोल शिफ्ट एंड एच यहाँ पे करते, डिस्प्ले करते यहाँ पे दिख रहा है, मेरे पास कैमरा कहाँ गया, यहाँ पे कैमरा मेरे पास बाहर आ गया, कैमरे को अंदर लेके चलते हैं, मैं कैमरा अंदर गया। अभी कैमरे के अंदर आओगे कंट्रोल ए, यहाँ फोकल लेंथ है यहाँ पे, इसको कम कर सकते हैं क्या, यहाँ पे 35 है मैंने किया 20, दिखा क्या यहाँ पे। तो हम लोग कैमरे के साथ ऐसे भी प्ले कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। प्लस में क्या, देखो थोड़ा सा आपको फोर प्रेस करो आप यहाँ पे, तो चीज़ आपको मिलेंगी यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, स्केलिंग पे जाके मैंने स्केलिंग कितना है
यहाँ पे मैं पॉइंट ऐसा कुछ दिख रहा है तो मुझे यूनिवर्सल स्केल करना पड़ जाएगा यहाँ पे। आर पास किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैनेज कर रहा हूँ, मेरे पास कैमरा ऐसा दिख रहा है, ठीक है 21। तो ऐसा मैं कैमरे को और थोड़ा सा मैं मैनेज करके देखता हूँ। यहाँ पे 20 किया मैंने, 20 के बाद यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर मैं करता हूँ 15 तो ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे जाकर रेंडर करके देखो, रेंडर में कुछ आ रहा कि नहीं आ रहा। चीज़ों को सेट करना आना चाहिए, सेट कर पा रहे हो, ठीक है, दिस इज़ गुड, ठीक है। अभी आपने यहाँ पे क्या किया, सेलेक्ट किया यहाँ पे, और व्हाट वी वांट, आर्नोल्ड पे गए, लाइट पे गए, मैश लाइट, लाइट देखना है अभी, ठीक है, लाइट पे गए, लाइट का मैंने यहाँ पे कलर लिया, ऐसा कुछ कर दिया मैंने यहाँ पे, विजुअल है उसमें दिख रहा है। मैंने यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी मैंने बढ़ा दी, मैंने इंटेंसिटी कर दिया 5, एक्सपोजर कर दिया 1, दिखेगा, दिख रहे हैं अभी, ओके। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लाइट विजुअल है, लाइट विजुअल करते हैं यहाँ पे, तो लाइट विजुअल भी आपको दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे नॉइज दिख रहा है, यहाँ पे सैंपल्स हैं, यहाँ पे सैंपल्स मैंने कर दिया 5, इसको आप बढ़ाओगे तो नॉइज आपका कम हो जाएगा यहाँ पे। दूसरी चीज़, मैंने वहाँ से भी सेटिंग कम करी, रेंडर सेटिंग से मैंने सेटिंग वहाँ पे कम करी कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी काम कर रहा तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, चीज़ों को मैं कैसे मैनेज कर पाऊँगा यहाँ पे, तो ये चीज़ मैं यहाँ पे ऐसे करके दे सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, आर्नोल पे गए, यहाँ पे मैंने क्या किया, लाइट पे गए, और यहाँ पे आप क्या करो, मैश लाइट यूज़ कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपने ऐसा कुछ क्लिक किया, कलर ये सेट कर दिया मैंने यहाँ पे, यहाँ पे कितना किया 5, एंड देन वहाँ पे मैं 1 कर सकता हूँ यहाँ पे। तो काइंड ऑफ इसको मैं अगर यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो मैं ऐसा कुछ दिखा सकता हूँ यहाँ पे, एंगल वापस ये है, ठीक है, ठीक है। रील ऐसे करके कुछ दिखा सकते हैं यहाँ पे। तो समय इसके ग्लो पे काम करना है, तो मैंने स्केप किया, कुछ अभी हैंग सा हो रहा है, ठीक है, सेलेक्ट किया मैंने। यहाँ देखो अभी यहाँ पे क्या, इंटेंसिटी को मैं बढ़ा रहा हूँ, इंटेंसिटी मैंने यहाँ पे क्या, इंटेंसिटी 5 कर दिया, इंटेंसिटी को मैं यहाँ पे कर देता हूँ 10, एक्सपोजर को कर दिया मैंने 2, ठीक है। यहाँ पर चीज़ आपको दिखेंगे, यहाँ पे कुछ एक जगह टेक्स्ट में कभी ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो वो भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा यहाँ पे। अभी ये चीज़ मैंने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे आपको नॉइज़ नॉइज़ दिख रहा है, एक बार सेटिंग देखें यहाँ पे, सेटिंग में गए यहाँ पे, मैंने क्या 1-1 कर रखा है, मैंने क्या किया 3 टैब 3 एंड 3 एंड 3, जितना आप सैंपल बढ़ाओगे, सैंपल्स नॉइज़ के लिए होता है। यहाँ पे रेंडर सेटिंग बढ़ाओगे तो देखो यहाँ पे अभी वो चीज़ है, आप देखो कितना नॉइज़ दिख रहा था, अभी देखो नॉइज़ दिख रहा है क्या उतना। अभी मैं इसे 5x5 कर दूंगा तो चीज़ें और बेटर भी दिखेंगी यहाँ पे। तो चीज़ों को देखना समझने की टेक्निक आपको आपको पता होना चाहिए भाई, मुझे यहाँ पे किस टाइप से काम करना है। अभी देखो यहाँ पे मैंने देखा, अभी चीज़ों को यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पे ग्लो हो पा रहा है ना। अभी मुझे यहाँ पे मैंने अंदर कोई लाइट नहीं लगाई, अंदर मेरे पास कोई भी लाइट नहीं है, लेकिन हो रहा है, लिट हो रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं क्या काम कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने स्केप किया, मैं अभी कम पे ही काम करता हूँ। कम पे काम करने का मतलब, ठीक है, मुझे पता चल गया 1 1 1 1, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं क्या मैनेज करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे चीज़ों को मैंने मैनेज किया, मैंने इंटेंसिटी कर दिया, इंटेंसिटी देखते मैं एक्सपोजर बढ़ाता हूँ, एक्सपोजर मैंने कर दिया 5, और इसका भी मैंने एक्सपोजर कर दिया 5, ठीक है। देखो ठीक है, ग्लो होना स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। एक चीज़ और ध्यान दें यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले रखा है यहाँ पे, ये कभी स्केलिंग में कई बार दिक्कत आती है, तो एक बार टेक्स्ट को एक बार मैनेज करोगे आप यहाँ पे ना, तो चीज़ें ठीक दिखेंगे यहाँ पे। जैसे मैं थोड़ा सा स्पेस भी देता हूँ यहाँ पे, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है क्या। अभी देखो आपको कैमरे के साथ प्ले करना है, कैमरे के साथ साथ आपको यहाँ पे देखो लाइट का इम्पैक्ट भी आपको पता चला, भाई लाइट का इम्पैक्ट कैसा है। दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे और भी कई चीज़ दिखा सकते हैं कि मुझे अगर यहाँ पे कोई भी कुछ काम करना है तो मैं चीज़ों को कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। पीछे की तरफ लाइट का इम्पैक्ट आ रहा है। अभी सोचो ये जो मेरे पास मॉडल है, इस मॉडल को मैंने पकड़ लिया, मॉडल है ना मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे बस ये पार्ट ऐसा कुछ है, मैश को मैंने लाइट बना दिया यहाँ पे, है ना। शैडो है, शैडो डेंसिटी को भी आप मैनेज करके देख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या चाहते हो, जैसे आपको क्या काम करना है, आपको डिफ्यूज नहीं दिखाना है, आप डिफ्यूज यहाँ से कम कर दो, 0 कर दो। अभी चेक करो तो डिफ्यूज में आपका जो पार्ट होगा ना वो चीज़ कम हो, देखो यहाँ पे देखना कुछ कम, एक जगह कम है एक तरफ ज़्यादा, क्योंकि इसका हमने मैनेज नहीं किया, ओके। तो ऐसे करके हम लोग मैनेज कर सकते हैं क्या यहाँ पे। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा हमें ध्यान देना है कि भाई ऐसा क्या काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। डिफ्यूज़ का मैंने यहाँ पे कर दिया 1, ठीक है।
अभी एक चीज़ और ध्यान दो, जैसे मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, चीज़ को अगर हम लोग देख रहे हैं तो मेरे सभी एक लुक एंड फील अच्छा ज़्यादा निकल के आ जाएगा यहाँ पे। अभी इसमें पास और भी सेकेंडरी ऑप्शन दिखेगा, सेकेंडरी ऑप्शन में हम लोग यहाँ पे देखें तो बहुत सारा काम वहाँ पे यहाँ पे मिलेगा क्या, डालते हैं ठीक है। ये मैंने क्या किया, एक मॉडल यहाँ पे दूसरा लिया, यहाँ पे राइट क्लिक एंड न्यू मटेरियल, यहाँ पे आर्नोल्ड पे गया, यहाँ पे आर्नोल्ड पे, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन क्या है अभी, ए आई स्टैंडर्ड सरफेस, ठीक है, ऐसा कुछ कर दिया मैंने यहाँ पे। सिंपल मैं कलर दे रहा हूँ वाइट रखते हैं यहाँ पे, स्पैकुलर नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए ठीक है मुझे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मिशन है, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैं हल्का सा इमिट कर रहा हूँ, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, अभी एक बार क्रॉस चेक करो कि कैसा दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे। और रेंडर को क्रॉस चेक करने के लिए मैं स्केप करता हूँ, पहले मैं सेटिंग लो पे ही करता हूँ, यहाँ पे लो सेटिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, वन टैब वन एंड वन वन, ठीक है। और मैं थोड़ा सा क्रॉस चेक करके देखूँ मेरे पास ऐसा कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है यहाँ देखो, तभी आपको ऐसा कुछ चीज़ें देखने को नहीं मिलेगा जो आपको दिखा है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा प्ले करना आना चाहिए कि भाई कैसे क्या काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे नॉर्मली रेंडर सेटिंग को यहाँ पे मैं मैनेज करके दिखा देता हूँ, ठीक है।